अगर हम बात करें प्रीमियम सेगमेंट इलेक्ट्रिक कार्स की, तो इलेक्ट्रिक कार्स के सेगमेंट में ऑलरेडी बहुत सा कंपटीशन है, चाहे वो प्रीमियम कार्स की बात करें या लोअर रेंज की बात करें। वॉल्वो की XC40 रिचार्ज आती है, जिसको आए हुए इंडिया में कुछ समय हो चुका है, लेकिन वो गाड़ी अपनी अच्छी पहचान बना रही है। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो वो नेक्स्ट लेवल है। इस गाड़ी को हमने ऑलमोस्ट जो है 300 से 400 किलोमीटर चला लिया है, रिचार्ज कर दिया है, एक एक फीचर को टेस्ट कर लिया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसकी पावर की, इसके एक्सेलरेशन की, इसकी प्रोस की, इसके कॉन्स की, और सबसे ज्यादा जरूरी इसकी बैटरी रेंज कितनी आती है, ये रेंज कितना देती है, इन सारी चीजों में हम बात करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखिए और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि एंड ऑफ दिस वीडियो मैं इस गाड़ी के बारे में कुछ कॉन्स भी बताऊंगा जो जानना जरूरी है अगर आपको इलेक्ट्रिक कार, प्रीमियम सेगमेंट की इलेक्ट्रिक कार के बारे में सोच रहे हैं। तो एक छोटे से इंट्रो से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से। अगर आप इसके फ्रंट को देखें तो इसके फ्रंट में आपको जो आगे का डिजाइन है वो पूरी तरह से XC40 जैसा ही दिखने वाला है, कुछ माइनर चेंजेस के साथ। जो चेंजेस हैं वो है इसके आगे की जो ग्रिल है उसको कवर कर दिया गया है। तो सबसे पहली पहचान जो हर इलेक्ट्रिक गाड़ी की रहती है वो इसकी भी है। XC40 के प्लेटफॉर्म पे ही बेस्ड है, इसको बॉर्न ईवी प्लेटफॉर्म नहीं कहेंगे, डायमेंशंस भी सेम है, कुछ छोटे मोटे चेंजेस किए गए हैं। इसका वेट की अगर हम बात करें तो 400 किलो के आसपास ये ज्यादा भारी है XC40 से, और इसका जो वेट है, टोटल वेट है, वो 2 क्विंटल से ज्यादा है, तकरीबन 2200 किलो के आसपास की ये गाड़ी है। ये गाड़ी इंडिया में 5 कलर्स में अवेलेबल है, और ये कलर जो हमारे पास है ये है सेज ग्रीन कलर, काफी अच्छा और अट्रैक्टिव कलर है। हेड टर्निंग ये कार है बेसिकली, जहां भी आप इसको लेके जाएंगे तो आपको लोग जो है मुड़ के देखते हैं, रीजन बीइंग के जो रोड प्रेजेंस है वो बहुत अच्छी है। ओवरऑल जो काफी बॉक्सी शेप के साथ ही आती है, कॉम्पैक्ट है काफी। फ्रंट में जो हेडलैम्प्स है उसमें थॉर हैमर शेप DRLs हैं, नीचे फॉग लैंप्स हैं, कुछ पियानो ब्लैक फिनिशिंग आपको थोड़ी यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलने वाली है, इंटीरियर में भी और एक्सटीरियर में भी। फ्रंट में एज यूजुअल वॉल्वो का बिल्कुल सेम वैसा ही लोगो मिलेगा, जिसमें 360 डिग्री कैमरा भी लगा हुआ है। गाड़ी का साइड प्रोफाइल काफी कॉम्पैक्ट है, एग्जैक्ट जो विड्थ और हाइट वगैरह है वो मैं यहाँ पे साइड में लगा दूंगा। ग्राउंड क्लीयरेंस की बात सबसे पहले करते हैं, ग्राउंड क्लीयरेंस इसकी थोड़ी सी कम हो जाती है, 175 mm की ग्राउंड क्लीयरेंस मिलती है। रीजन बीइंग कि नीचे जो बैटरी बेड है वो काफी बड़ा है, 78 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है, उसकी वजह से ग्राउंड क्लीयरेंस थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन ओवरऑल आपको कहीं भी ये दिक्कत नहीं करेगा। टायर प्रोफाइल में आपको पिरेली के टायर्स यहाँ पे दिए गए हैं। फ्रंट और रियर जो टायर्स हैं उनकी साइज में भी डिफरेंट है, हालांकि 19 इंच की आपको प्रोफाइल मिलती है, 235/50R19 का टायर आपको फ्रंट में मिलता है, 255/45R19 के टायर आपको रियर में मिलते हैं। इसका जो बोनट है उसमें आपको हाइड्रोलिक सपोर्ट मिलता है ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए, जो कि काफी ईजी बना देता है, बिकॉज इसका हुड का जो वेट है वो अपने आप में काफी ज्यादा है, तो ओपन तो हो जाता है आराम से क्लोज करने के लिए। अगर आपकी हाइट 5'7" तक है तो आप यहाँ से खोल लेंगे, नहीं तो आपको यहाँ साइड से जो है पकड़ के इसको वापस क्लोज करना पड़ेगा। ये चीज़ मैंने तब भी बताई थी जब हमारे पास XC60 आई थी पेट्रोल वेरिएंट, वहाँ पे तो इसका हुड और भी ज़्यादा बड़ा था, उसकी हाइट तो यहाँ से अचीवेबल भी नहीं थी। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको एक चीज़ जो खास है जो इलेक्ट्रिक कार में ही आपको देखने को मिलेगी वो है इसका फ्रंक, 31 लीटर का आपको इसमें फ्रंक देखने को मिलता है। अच्छा खासा स्पेस आपको यहाँ दिखता है, यहाँ पे गाड़ी का कवर पड़ा हुआ है, चार्जर पड़ा हुआ है, और कोई भी सामान आप वगैरह रख सकते हैं। इसके नीचे भी आपको जो है काफ़ी स्पेस मिल जाता है, आप देखें यहाँ पर कुछ टूल्स वगैरह रखे हुए हैं, जो टो करने का जो रॉड रहती है, हुक रहता है, वो यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा भी स्पेस है, ये देखिए आराम से आप इसको बंद कर सकते हैं, ये भी इलेक्ट्रिक ओपन होता है, यहाँ पे आपको बटन भी मिल जाएगा, वहाँ से आप ओपन क्लोज कर सकते हैं। स्पेस की अगर हम बात करें तो 452 लीटर 452 लीटर्स का बूट स्पेस आपको मिलता है, और विद स्पेयर टायर। स्पेयर टायर्स की प्रोफाइल जो है वो अलग है, सेम प्रोफाइल आपको नहीं मिलेगी। काफ़ी अच्छा स्पेस आपको, यूटिलिटी स्पेस मिलता है, आप अपने बड़े बैग्स यहाँ पर रख सकते हैं, बट डेफिनेटली आपको थोड़ी बहुत दिक्कत जरूर होगी स्पेयर टायर की वजह से। 60/40 की आपको यहाँ स्प्लिट मिलती है सीट, जिसकी वजह से आप आराम से यहाँ पर जो है फ्लैट टर्न करके जो है स्पेस को यूटिलाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम पीछे देखें तो XC40 की बैजिंग मिलेगी, वॉल्वो की बैजिंग मिलेगी, और यहाँ पर एक कुछ चीज़ खास है वो है रिचार्ज ट्विन। रिचार्ज ट्विन का मतलब है दो मोटर्स हैं, फ्रंट एक्सल और रियर एक्सल दोनों जगह आपको दो मोटर्स मिलेंगी। ऑल व्हील ड्राइव गाड़ी है ये, और इसलिए आपको दोनों मोटर से 204 BHP ईच की पावर मिल जाती है। जो टोटल BHP पावर आपको मिलती है वो है 408 BHP की। टॉर्क जनरेट करता है 660 Nm का। रिचार्ज की बैजिंग आपको जगह जगह देखने को मिलेगी, फ्रंट डोर में भी नीचे आपको यहाँ पर रिचार्ज की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। तो ये था बेसिकली एक वॉक अराउंड जो गाड़ी का मैंने आपको दे दिया। मेन इसका है ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो अब हम करने वाले हैं, आइए अंदर चलते हैं, ड्राइव एक्सपीरियंस करते हैं, और एंड ऑफ द वीडियो जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया मैं आपको बताऊंगा इसका कुछ कॉन्स बताऊंगा जो कि जानने बहुत जरूरी है। गाड़ी के इंटीरियर की अगर हम बात करें तो गाड़ी का इंटीरियर एज यूजुअल उतना ही प्रीमियम है जितना इस सेगमेंट की कार को होना चाहिए। स्क्रीन आपको वैसे ही सेम उतनी ही मिलेगी जब जो बाकी वॉल्वो की कार्स में आती है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हालांकि टच वगैरह रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ी स्क्रीन साइज जो है वो आपको हो सकता है इनिशियली थोड़ा छोटा लगे, लेकिन जब आप इस गाड़ी को
थोड़े ज्यादा टाइम तक चलाना शुरू करेंगे, यूज करेंगे, तो आपको फिर वो स्क्रीन साइज का इशू नहीं लगेगा। कई सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी जब हम ड्राइव करेंगे, तो मैं उन सब चीजों के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर आपको ग्लॉसी ब्लैक ग्लॉसी फिनिश मिलेगी, थोड़ा बहुत सिल्वर यहाँ पर मिलेगा, नॉब्स मिलेंगे सो दैट यू कैन टर्न दीज ब्लोअर्स ऑन एंड ऑफ। उसके अलावा एसी के लिए कोई फिजिकल बटन यहाँ पर नहीं दिया गया है, जो भी यहाँ पर सब बटन हैं वो मीडिया बटन हैं, या फिर आपके डिफॉगर के बटन मिलेंगे, मीडिया बटन मिलेंगे। स्टेयरिंग की बात करें, स्टेयरिंग अगेन आपको लेदर जो रैप्ड मिलेगा, टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों है। सेंटर कंसोल की बात करें, अगेन यहाँ पे आपको जैसे मैंने कहा कि ब्लैक ग्लॉसी फिनिश काफी जगह पे मिलने वाली है, वो अगेन कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन मिलेगा, टाइप सी आपको मिलेंगे, एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले ये दोनों आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। 12 वोल्ट 120 वॉट का यहाँ पर आपको सॉकेट मिलेगा, जो आप जिसे अपना लैपटॉप वगैरह भी आप इजीली चार्ज कर सकते हैं। अच्छा, जो मेन चीज सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर कि गाड़ी को ऑन और ऑफ कैसे करना है। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर आपको कोई फिजिकल बटन नहीं दिया गया है, जो कि XC40 पेट्रोल में आता था। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आप जब बैठेंगे गाड़ी में सीट बेल्ट लगानी है, और आपको ब्रेक पेडल प्रेस करते हुए सिर्फ इस जो नॉब है आपका, उस नॉब को आपको इसको डी मोड पे लेके जाना है। डी मोड पे ले जाते ही ये गाड़ी जो है वो स्टार्ट हो जाए, हालांकि आपकी गाड़ी अंदर बैठते ही सेंस कर लेती है सीट पे बैठते ही कि जो है ड्राइवर सीट पे ऑलरेडी आप बैठ चुके हैं, तो उसका सिस्टम ऑन कर देती है। बट यस, आपकी मोटर वगैरह ऑन करने के लिए आपको जो है यहाँ पर डी मोड पे लेके जाना है, और सिंपली आपको एक्सेलरेशन पैडल दबाना है और आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि कोई फिजिकल ऑन और ऑफ करने के लिए बटन आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। दिन का टाइम है और क्वालिटी देखिए कैमरा की, इतनी जबरदस्त लाजवाब आपको कैमरा क्वालिटी मिलती है। 360 डिग्री कैमरा की 360 डिग्री व्यू कुछ इस तरह से आता है, और दिन में नहीं रात में भी उतना ही आपको अच्छा रिस्पांस देता है। हालांकि थोड़ा सेंसिटिव ज्यादा है, ट्रैफिक में जैसे ही आप जाते हैं कोई भी जो गाड़ी है आपकी कार के पास आती है, तो ये ऑटोमेटिकली इस कैमरा को ऑन कर देता है, सो दैट कि आपको आइडिया लग सके कि वो गाड़ी कितनी दूर। जैसे ही आप गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो इसके जो पुश है वो आपको पीछे की तरफ धकेलता है। हालांकि हम बहुत ज्यादा स्पीड में नहीं जाएंगे, लेकिन आपको एक बेसिक एक्सेलरेशन मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। इसका 0 to 100 जो है वो हमने ऑलरेडी टेस्ट किया है, और उसकी रील भी बनाई है, वो जाकर आप हमारे इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं या यूट्यूब पे भी हमने एज अ शॉर्ट उसको डाला है। और 0 to 100 ये पहुंच जाती है केवल 4.9 सेकंड्स के अंदर, जो कि एक कमाल है, मतलब जबरदस्त। जो मैंने आपको बताया कि 660 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क मिलता है वो एक्चुअल में जो ऑन ग्राउंड अपनी परफॉर्मेंस देता है वो नेक्स्ट लेवल है। मैंने अभी तक जितनी भी गाड़ियां चलाई हैं इसका एक्सेलरेशन मुझे सबसे बेस्ट लगा है, और लगे भी क्यों ना, क्योंकि आपको परफॉर्मेंस जो है उतने ही बढ़िया इसमें मिलने वाली है। एक चीज जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी वो ये कि ये क्योंकि ट्विन मोटर्स है, आप फ्रंट एक्सल और रियर एक्सल दोनों में आपको मोटर मिलती है, उसकी वजह से ये फोर व्हील ड्राइव बन जाती है। फोर व्हील ड्राइव में आपको ट्रैक्शन इतना जबरदस्त मिलता है कि मैंने इसमें कई बार कोशिश की है, जैसे मैं आपको दिखाऊं एक बार, इसको हम वापस जीरो कर देते हैं। जीरो करके जैसे ही आप एक्सेलरेशन देंगे तो आपको व्हील स्पिन नहीं मिलेगा, बिकॉज ट्रैक्शन इतना जबरदस्त मिल रहा है चारों टायर्स में कि वो व्हील स्पिन नहीं होने देता है। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग वो अपना ट्रैक्शन मेंटेन करके रखती है, और आपको इसीलिए जब आप इसकी हाई स्पीड पे लेके जाते हैं तो आपको फील नहीं होता है कि आप गाड़ी जो है इतनी हाई चला रहे हैं। एक और चीज जो मैं यहाँ पर जैसे जैसे एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वैसे बताता हूँ, रोड काफी खराब है सामने, अगर हम दिखा पाए तो रोड में जो है बम्प्स है, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं, बड़े बड़े लेकिन ठीक ठाक गड्ढे हैं, और मैं जानबूझ करके उन गड्ढों में से निकाल रहा हूँ जस्ट टू एक्सपीरियंस के इसके सस्पेंशन किस तरह के हैं। और क्योंकि टायर जो है पिरेली के टायर 19 इंचेस लगे हुए हैं, तो वो इंडियन रोड्स पे चलने के लिए किस तरह से हैं, एक्सपीरियंस अच्छा है। मैंने पहले भी एक्चुअली एक्सपीरियंस किया हुआ है, जस्ट फॉर द वीडियो मैंने वापस इस चीज को हाईलाइट किया है। इसके सस्पेंशन बहुत ज्यादा जो है वो सॉफ्ट भी नहीं है और बहुत ज्यादा स्टिफ भी नहीं है, अच्छे बड़े गड्ढों में से भी ये गाड़ी जो है वो आराम से निकल जाती है, और आपको जो है बहुत ज्यादा बम्प्स जो है इंटीरियर में कार के केबिन में फील नहीं होते, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और इसके टायर्स जो है वो अपना काम बखूबी बहुत अच्छे से कर लेते हैं। एक्सेलरेटर पैडल जो है ना आपको दबाए आप बिना रहोगे नहीं, आप जैसे ही गाड़ी पे बैठोगे आपको परफॉर्मेंस इतना अच्छा मिलता है कि आपका पैडल जो है वो खुद ब खुद दबेगा। हालांकि ये नेगेटिव पार्ट आपका अपना है, गाड़ी का नहीं है, लेकिन मैं तो गाड़ी का काउंट करूंगा भैया, इतना परफॉर्मेंस आपको मिल रहा है आप रुक ही नहीं पाओगे चलाने से। बैटरी वगैरह इसकी जो 78 किलोवाट आर की बैटरी है, कंपनी रेंज 418 है, आराम से चलाओगे तो 350 के आसपास की रेंज आपको आराम से मिलेगी। लेकिन जैसे कि हमने चलाई है, और नॉर्मली आप अगर आप इंथुजियास्ट हैं गाड़ी को चलाना अच्छे से पसंद करते हैं तो 300 तक की रेंज आपको मिल पाएगी ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स। अब इसके स्टेयरिंग के रिस्पांस की बात करें तो स्टेयरिंग का रिस्पांस काफ़ी अच्छा है। हालांकि ये जो स्टेयरिंग अभी जो मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ ये फर्म नहीं है, मतलब हार्ड नहीं है, सॉफ्टर साइड है। अगर आप इसको हार्डर साइड करना चाहते हैं तो आपको सेटिंग्स में ऑप्शन में आएगा ड्राइविंग में,
ड्राइविंग में जाकर के आपको यहाँ पर स्टीयरिंग फील फॉर्म को ऑन कर देना है, तो इससे क्या होगा, स्टीयरिंग आपका थोड़ा हार्डर साइड हो जाएगा। तो अगर आप इस तरह से चलाना पसंद करते हैं तो आप इसको फॉर्म पे जब ऑन करेंगे तो ये हल्का सा हार्डर साइड हो जाएगा। हालांकि मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये देखा है कि स्टीयरिंग जो है मैं फील फॉर्म जो है ऑफ करके चलाना पसंद करता हूँ, बिकॉज मेरे लिए सॉफ्टर साइड स्टीयरिंग रहना ज़्यादा बेटर है। अभी आप देख सकते हैं कि हल्का सा एक्सेलरेशन देते हैं और ये 80, 90 इवन की 100 को टच करना तो इसके लिए एक समझ लीजिए बाएं हाथ का खेल है। विद इन सेकेंड्स, 4.9 सेकंड मैंने बताया, विद इन सेकेंड्स ये 100 टच कर जाती है। एडास लेवल 2 के साथ ये गाड़ी आती है, यानी कि हमने ऑलरेडी अपने कई वीडियोस में काफ़ी डिटेल में वो सारी चीज़ें बात की हैं, तो इस वीडियो में मैं इसका एडास लेवल 2 वगैरह तो टेस्ट करके आपको नहीं दिखाने वाला हूँ। इसी की वॉल्वो की XC60 आई थी तो उसमें काफ़ी डिटेल में बात की थी। क्रूज कंट्रोल वगैरह आपको जो है एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिलता है, लेन कीप असिस्ट मिलता है, कोलिजन वार्निंग वगैरह सब मिल जाता है। आपका ध्यान हल्का सा भी रोड पर नहीं है और एकदम से कोई आगे आ जाए तो ये कंप्लीट ब्रेक अप्लाई कर देती है और गाड़ी को वहीं रोक देती है। यहाँ पर आप देखिए कि मैंने इसको अब ऑन कर दिया है तो ये अपनी लेन वगैरह को मैनेज कर रही है। सामने जो आपको स्ट्रिप्स मिलेंगी तो ये अपनी जो है लेन में मैनेज करते हुए स्टीयरिंग को लेफ्ट राइट अपने आप करेगी। तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं अपनी कई वीडियोज़ में और बहुत अच्छे से काम करता है। थोड़ी देर में ये आपको स्टीयरिंग होल्ड की वार्निंग भी देने लगेगा जो कि ऑलरेडी आ गई है। यहाँ पर आपको लेन कीपिंग एड का ऑप्शन भी मिल जाएगा जो कि मैंने ऑफ किया हुआ है, आप चाहें तो ऑन कर सकते हैं। जैसे ही आप ऑन करेंगे तो जैसे ही आप अपना लेन चेंज करते हैं, एडास लेवल 2 का फीचर है, ऑन करते हैं तो वो आपका स्टीयरिंग जो है वो रेजिस्ट करेगा और वापस अपनी लेन में लेके आएगा। बट आई प्रेफर टू कीप इट ऑफ बिकॉज मैं हमेशा अटेंटिव ड्राइविंग करता हूँ और वो मुझे थोड़ा सा रेजिस्टिव लगता है जब आपको स्टीयरिंग वापस आपकी लेन में खींचता है। इट्स डिपेंड्स ऑन कि आप उसके किस तरह के कितने फीचर्स जो है वो यूज़ करना चाहते हैं। एक चीज़ जो प्रैक्टिकली और मुझे लगी ना वो ये कि सारी चीज़ें जो है वो आपकी टच स्क्रीन बेस्ड हैं, फिजिकल बटन्स आपको नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल हम स्टीयरिंग की बात करें, स्टीयरिंग फील फॉर्म हो गया या वन पेडल ड्राइव जो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा क्या है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर स्टीयरिंग में ऑप्शन देना चाहिए था, एटलीस्ट MID में ऑप्शन देना चाहिए था। MID में जो ऑप्शन है वो बहुत कम आपको ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पर आपको ट्रिप कंप्यूटर मिलता है या फिर आपका जो है बेसिक जो है जो गूगल मैप्स है उसको ऑन एंड ऑफ करने का फीचर मिलता है। कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में MID में आपको चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं, बट यस जितनी भी हैं, जितनी चीज़ें आपको दी गई हैं बहुत अच्छे से फंक्शन करती हैं, बहुत अच्छे से काम करती हैं। इस पे आते हैं हम नेक्स्ट चीज़ पे, ये है वन पेडल ड्राइव। वन पेडल ड्राइव को मैं ऑन कर देता हूँ। वन पेडल ड्राइव एज अ वर्ड सजेस्ट कि आप जैसे ही एक्सीलेटर पेडल से हटाएंगे तो वो ब्रेक सप्लाई करेगा, यानी कि आपको स्पेसिफिकली अलग से ब्रेक्स जो है उसका यूज़ नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही एक्सीलेटर पेडल से पैर हटाया तो आप देख सकते हैं कि इसने जो गाड़ी है बिल्कुल रोक दी है, और ये बिल्कुल रोकने का मतलब बिल्कुल ज़ीरो पे ले आता है। अच्छा, इसकी एक चीज़ और जो मैंने टेस्ट करी वो एक और बहुत अच्छी चीज़ मैंने लगी मुझे कि एक्सीलेटर पैडल से हटाने का आपका ये पैटर्न भी जो है वो सेंस करता है। जस्ट लाइक कि आप एक्सीलेटर पैडल से हल्का सा पैर हटाएंगे ना तो ये ब्रेक्स को स्लोली अप्लाई करेगा। ये देखिए, ऐसा नहीं कि इसने एकदम से ज़ीरो कर दिया, एक गाड़ी का जो मैकेनिज्म है वो पूरा सेंस कर रहा है कि आपने एक्सीलेटर पैडल से कितनी अपनी फोर्स को कम किया है, उस हिसाब से वो ब्रेक अप्लाई करेगा। अगर आपने हल्का सा कम किया है तो वो हल्का सा अप्लाई करेगा, आपने पूरा हटा दिया है तो वो उसको जीरो कर देगा। तो यहाँ पर अब वन पेडल ड्राइव को मैं ऑफ कर देता हूँ बिकॉज ये जो है वो सडन करता है, अप्लाई करता है। अगर एक चीज़ और है, जब आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे होंगे ना तो ड्राइव करते हुए वन पेडल ड्राइव को ऑन और ऑफ करके देखिएगा। जब आप इसकी टेस्ट ड्राइव वगैरह लेंगे या आप इस गाड़ी को अगर ऑन करते हैं ऑलरेडी, परफॉर्मेंस में आपको थोड़ा सा चेंज मिलेगा। जैसे मैंने इसको ऑन किया हुआ है ना तो जितना एक्सीलरेटर प्रेस करने पर मुझे एक्सीलरेशन मिल रहा है वो कंपैरेटिवली कम है जब मैं इसको ऑफ कर दूंगा, तो यहाँ पे मुझे एक्सेलरेशन ज़्यादा मिलता है। डेफिनेटली रीजन बिल्कुल ऑफ हो जाता है वहाँ पर, और रीजन एक्चुअली काम करता है। ऐसा नहीं है कि वन पेडल ड्राइव आपने ऑफ कर दिया तो रीजन बिल्कुल ऑफ हो जाएगा, फिर वो काम करता है आपकी ब्रेकिंग पे। अब यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा, जैसे मैंने वन पेडल ड्राइव जो है वो ऑफ कर रखा है तो आप देख रहे हैं कि पावर में वो बार ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं ब्रेक अप्लाई करूंगा तो ये देखिए ब्लू बार जो है वो नीचे की तरफ आया है, चार्ज से नीचे, यानी कि वो रीजन अप्लाई कर रहा है। यही सेम चीज़ जब आप यहाँ पे ड्राइव पे जाके अपना वन पेडल ड्राइव ऑन कर देते हैं, वन पेडल ड्राइव ऑन हो गया, अभी आप देखिए मैंने जब एक्सेलरेशन दे रहा हूँ तो वो पावर में जा रहा है, यानी कि आपकी बैटरी कंज्यूम हो रही है। लेकिन जैसे मैंने एक्सेलेटर से हटाया, ये देखिए ऑल ऑफ ए सडन एकदम जैसे कहते हैं ना जो मैक्सिमम लेवल का रीजन है वो अप्लाई होता है, आपकी गाड़ी एकदम से रुक जाती है। तो कहीं ना कहीं आपको जो है वो दिक्कत भी कर सकती है जब आप इसको सिटी ट्रैफिक वगैरह में चलाते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल रीजन अप्लाई करके उसी टाइम गाड़ी को रोक देता है। ड्राइव मोड आपको मिलता है स्टैंडर्ड और ऑफ रोडिंग में जैसे ही आप करेंगे तो ये आप अगर इसको गाड़ी को कहीं ऑफ रोडिंग पर लेके जा रहे हैं तो यूज़ कर सकते हैं। हमने इसको प्रैक्टिकली जो है वो एक्सपीरियंस नहीं किया तो मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। इसके अलावा चार्जिंग वगैरह पे हम आए तो चार्जिंग पे आपको जैसे करंटली दिखा रहा है 22% यहाँ पर आपको दिखाता रहेगा
आपकी चार्जिंग लिमिट जो है वो आप सेट कर सकते हैं। अभी जो ऑब्वियसली चार्जिंग लिमिट है इसकी 100% सेट है, यानी कि जब 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 आप इसको चार्जिंग पे लगाते हैं तो मैक्सिमम कितना चार्ज करें। नीचे एक लाइन छोटी सी लिखी हुई है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे लिखा हुआ 90% इज रिकमेंडेड टू प्रिजर्व द बैटरी, यानी कि जैसे आप अपना फोन वगैरह चार्ज करते हैं तो कहा जाता है ना कि आप इसको फुल चार्ज मत कीजिए, आप इसको 80-85% 90% कीजिए, तो उसी तरह से कार की भी रिकमेंडेड बताया जा रहा है कि आप इसको 90% तक चार्ज कीजिए एवरी टाइम। 100% आप ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते हैं, बिल्कुल कीजिए वंस इन अ वाइल, जैसे आप लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं आपको जरूरत है, पर डेली बेसिस पे जब आपको बिल्कुल 100 से जीरो बैटरी आप नहीं लेके आ रहे हैं तो वहां पर आप इसको 90-85-90 पे करके छोड़ दीजिए, तो वहां पर जो है आपकी बैटरी की हेल्थ जो है वो लाइफ जो है वो और बढ़ जाएगी। वारंटी की बात कर लेते हैं क्योंकि हम इस पे बात कर रहे हैं, तो वारंटी आपको अगेन 8 साल और 1,60,000 किलोमीटर की मिलेगी, और पूरी कार पे जो वारंटी है वो 3 ईयर्स की आपको मिलती है, और 8 ईयर्स और 1,60,000 की जो वारंटी है मेरे ख्याल से वो सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है। सर्विसिंग की बात करें तो सर्विसिंग आपको जो है इस गाड़ी की एवरी 30,000 किलोमीटर्स पे करवानी है, तो एसी वगैरह का एयर फिल्टर वगैरह चेंज होगा या फिर क्लीनिंग और वॉशिंग वगैरह का खर्चा होगा, और बेसिक जो चेक्स रहते हैं बैटरी चेक्स वगैरह या आपके जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट चेक वगैरह रहते हैं वो रहते हैं, और उसकी कॉस्टिंग जो है वो नॉमिनल से आती है, कोई बहुत ज़्यादा आपको इसमें खर्चा सर्विसिंग में नहीं पड़ेगा। डेफिनेटली जब आप इस गाड़ी की कॉस्ट पे बात करें 57 लाख एक्स शोरूम प्राइस, तो सर्विसिंग कॉस्ट इज नॉट मैटर फॉर दोज पीपल जो इसको लेंगे, बट यस क्योंकि एक बात करना जरूरी है तो मैंने आपको बता दिया। तो आपको गूगल असिस्टेंट वगैरह मिल जाता है, फॉर एग्जांपल हे गूगल व्हाट इज द डेट टुडे, इट्स वेडनेसडे द 7th ऑफ फरवरी 2024, हाउ इज द वेदर टुडे, टुडे इन दिल्ली इट विल बी पार्टली क्लाउडी विद अ फोरकास्ट हाई ऑफ 19 एंड अ लो ऑफ 8। क्योंकि ये आपका गूगल के साथ डायरेक्ट टाई अप है और काफी अच्छे से जो है ये इंटीग्रेट किया गया है, तो बहुत अच्छा काम करता है गूगल असिस्टेंट, आपको मिल जाता है डेफिनेटली, आपको गूगल मैप वगैरह सब मिल जाता है, इनबिल्ट सिम मिलती है जिसकी वजह से आपको इसको अलग से इंटरनेट जो है प्रोवाइड नहीं करना पड़ेगा, गूगल मैप्स वगैरह अगर आपका इनबिल्ट सिम से ही चलेगा। एक और चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर यूट्यूब का फीचर आपको मिल रहा है, जैसे ही आप गाड़ी स्टॉप करेंगे तो आपको यूट्यूब का फीचर इनेबल मिलेगा जहाँ पर आप अपने वीडियोज वगैरह देख सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप गाड़ी को चलाएंगे तो वो फीचर डिसेबल हो जाएगा। डेफिनेटली वॉल्वो क्योंकि सेफ्टी हमेशा प्रायोरिटी रहती है, इनफैक्ट हर गाड़ी में ये फीचर आपको मिलता है, जैसे ही आप चलाएंगे तो आप वीडियो वगैरह आपका सब डिसेबल हो जाएंगे, नहीं चलेंगे। एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो मैंने बताया आपको मिलेगा, वायर्ड मिलेगा, वायरलेस नहीं मिलेगा। दूसरा रेंज असिस्टेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी जो करंट बैटरी है वो 22% है, और 22% पे जो इसकी रेंज दिखा रहा है वो दिखा रहा है 70, यानी कि 70 किलोमीटर ये आपकी 22% बैटरी में चल जाएगी आराम से। और इसमें नीचे एक और बटन है रेंज ऑप्टिमाइजर का, अगर आप रेंज ऑप्टिमाइज करते हैं तो ये 95 किलोमीटर ऊपर अगर आप दिखाएं तो 95 किलोमीटर तक चल जाएगा। उसमें ये क्या करता है, उसमें बेसिकली आपकी जो एयरकॉन वगैरह की जो सेटिंग्स हैं या फिर और जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं जो आपकी बैटरी कंज्यूम कर रहे हैं उसको ऑप्टिमाइज कर देता है, सो दैट कि आपको एक थोड़ी सी बेटर जो है वो रेंज 5-10% एक्स्ट्रा रेंज आपको मिल सके। वो तब आपका काम आएगा जब बहुत ही क्रक्स आपका जो है मोमेंट है, आपको बिल्कुल रेंज आपकी कम है या आपका डिस्टेंस ज़्यादा है, आप चाह रहे हैं कि अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने की, तो वहां पर आप रेंज ऑप्टिमाइजर वगैरह को क्लिक करके इसकी मैक्सिमम रेंज निकाल सकते हैं। सारे जो जो बटन्स हैं वो आपको टच बेस्ड मिलेंगे, फिजिकल बटन्स आपको नहीं मिलेंगे। तो जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं तो आपको अगर ये मैनेज करना है, आपको टेम्परेचर वगैरह कम या ज़्यादा कर रहे हैं, तो आपको स्क्रीन की तरफ देख कर आपको टच करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपकी जो फोकस है उसको हल्का सा जो है वो शिफ्ट करता है, बट अगेन आपको आदत पड़ जाएगी इस चीज़ की। बहुत ज़्यादा आपको जो है अगर आपको एक बार आदत पता चल गया कि कहाँ टच करना है तो ज़्यादा कोई दिक्कत आएगी नहीं। कुल बात करते हैं ड्राइविंग डायनामिक्स की, तो ड्राइविंग डायनामिक्स बहुत ज़बरदस्त है, हाई स्पीड पर हमने इसको चला के देखा है तो इसकी जो टॉप स्पीड मैंने चेक करी है वो 158 तक पहुँची है, उसकी भी रील मैंने ऑलरेडी डाल दी है। 158 नॉट रिकमेंडेड है, उतना तेज़ नहीं चलाना है, बट हमने बहुत ही जो है कंडीशंस को सूट करते हुए जहाँ पर ऑब्वियसली कहीं कोई व्हीकल नहीं था, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वहाँ पर हमने इसको टेस्ट किया तो 158 की टॉप स्पीड हमने इसकी चेक की है, बहुत आराम से पहुँच जाती है भैया, नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस है, चुटकियों में पहुँच जाती है, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप 100 कब क्रॉस कर गए और उसके बाद 158 तक, तो मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि आउट ऑफ कंट्रोल गाड़ी जा रही है, बहुत अच्छे से, मतलब अच्छा होता है, एक होता है कि अच्छा एक होता है, बहुत अच्छे से आपके कंट्रोल में थी गाड़ी, तो कोई बहुत ज़्यादा आपको फील नहीं होगा कि आप इतनी तेज़ चला रहे हैं। ड्राइविंग डायनेमिक्स बहुत अच्छे हैं, कर्व्स वगैरह में मैंने इसको हाई स्पीड पे कर्व में टर्न करके देखा है, तो क्योंकि जो इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो काफ़ी नीचे है, आपको मैंने बताया कि ग्राउंड क्लियरेंस 175 है, कम है,
उसकी वजह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होने की वजह से इसकी ड्राइविंग डायनामिक्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। कर्व्स वगैरह में भी जब आप इस गाड़ी को स्पीड से निकालते हैं तो आपके अच्छे कंट्रोल में गाड़ी रहती है। बहुत जो है रिस्पॉन्सिव स्टेयरिंग है, जिसकी वजह से जब आप इसको होल्ड करते हैं तो आप किसी भी स्पीड पर चला रहे हो आपको बहुत आपको काफ़ी अच्छा जो है कंट्रोल कॉन्फिडेंस यहाँ पर आता है। बाकी यहाँ पर आप इंटीरियर में देखें तो एक और जो थोड़ी सी नोटिसेबल चीज़ है, अभी दिन के टाइम में आपको इतना नहीं पता चलेगा, यहाँ पर मैं वो शॉर्ट्स लगा दूंगा। यहाँ पर ये जो ट्रिम है बेसिकली वो चारों तरफ आपको यहाँ पर रात होते ही यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा यहाँ पे आपको ग्राफिक्स के साथ डिजाइन लाइटिंग मिलती है, बैकलाइट ऑन हो जाती है, जो इंटीरियर को बहुत नेक्स्ट लेवल तक और ज्यादा जो अट्रैक्टिव बना देती है। एक नॉर्मल एम्बियंस लाइटिंग देख देख कर हम लोग बोर हो चुके हैं, बिकॉज वही लाइट्स वगैरह वो रहती हैं तो वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं रहती हैं। इवन कि आजकल तो मिड साइज सेगमेंट कार्स हैं या फिर कॉम्पैक्ट एसयूवीज वगैरह भी हैं, कंपनी इसमें इनबिल्ट आपको एम्बियंट लाइटिंग देने लगी है, लेकिन ये कुछ डिफरेंट है। साउंड क्वालिटी इसकी बहुत नेक्स्ट लेवल है। हर्मन कार्टन के आपको 11 स्पीकर्स मिलते हैं और मैं कह रहा हूँ मजा आ जाता है, स्वाद आ जाता है आपको। इसका कंपेरिजन इसकी गाड़ी से ही करूंगा। इसमें जो आप उसमें जो आपको 14 या 16 स्पीकर आते थे, इसमें 11 स्पीकर आते हैं विद बेस और बेस ट्यूब वगैरह और ट्विटर्स वगैरह सब मिला के। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल साउंड क्वालिटी हर्मन कार्टन की। और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो कर लें, बिकॉज देख रहे हैं आप कितने डिटेल में हम लोग हर गाड़ी जो हमारे पास आती है हम उस पर बात करते हैं, चाहे वो ओनरशिप रिव्यूज हो, चाहे वो हमारे लिए हमारे पास रिव्यूज के लिए कार्स आती हों, हम उस पर बहुत अपना जो है एफर्ट डालते हैं। तो आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, और अभी तक अगर आपने नहीं किया है तो अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन दबा दो और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दो। तब तक हम जरा गड्ढों की सैर कर रहे हैं, सस्पेंशन को टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जर ऑप्शन भी मिलती है, हालांकि वायरलेस चार्जिंग जो है वो थोड़ी सी स्लो है, कितने वॉट की है एग्जैक्टली नहीं आइडिया, बट येस आप यहाँ पर जो है अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर एक थोड़ी सी स्टोरेज मिलती है कॉइन्स वगैरह यहाँ रखने के लिए। दूसरा यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा हैंडरेस्ट के नीचे भी आपको जो है काफ़ी स्पेस मिलता है, प्लस यहाँ पर एक छोटा सा गार्बेज बॉक्स आपको मिलता है जिसको आप इजीली रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको रिमूव कर सकते हैं, खाली कर सकते हैं और वापस इसको यहाँ प्लेस कर सकते हैं। दो कप होल्डर्स मिलते हैं। नॉब जो है काफ़ी स्लीक था, छोटा सा नॉब है, उतना अट्रैक्टिव और अच्छा नहीं है जितना XC60 में था। वहाँ पर आपको क्रिस्टल वाला नॉब मिलता था, यहाँ पे नॉर्मल नॉब है। और ड्राइव बहुत जो है वो इजी है, जस्ट आपको R, N और D ऑप्शन मिलते हैं, साथ में पार्किंग ऑप्शन। तो यहाँ पर ड्राइव रिव्यू हमारा खत्म होता है, बाकी मैं बाहर निकल के जो बेसिक जो बचे हुए थोड़ी सी चीज़ें मैं बता देता हूँ और वीडियो को एंड करते हैं। आइए बाहर चलते हैं। यहाँ पे सीट के जो कंट्रोल्स मिलते हैं ये आपको टिल्ट के लिए, आगे पीछे करने के लिए, और ये यहाँ पर जो है लंबर सपोर्ट के लिए आपको मिलता है। ये दोनों जगह आपको ड्राइवर और पैसेंजर साइड दोनों जगह मिल जाता है। हर्मन कार्टन की स्पीकर्स आपको यहाँ ट्विटर मिलेगा, प्लस मेमोरी फंक्शंस भी आपको मिलेंगे, यानी कि अप टू 2 मेमोरी फंक्शंस आप यहाँ पर ड्राइवर सीट के लिए कर सकते हैं, पैसेंजर साइड ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। चाइल्ड लॉक वगैरह अगर आप करना चाहते हैं तो वो यहाँ से कर सकते हैं। चारों पावर विंडोज प्लस ORVM की सेटिंग और डोर लॉक अनलॉक। अब डोर लॉक अनलॉक जो है वो आप चारों डोर्स को करना चाहते हैं या सिंगल एक डोर को करना चाहते हैं, वो आप टच स्क्रीन जो इसका सेटिंग का ऑप्शन है वहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। चाइल्ड लॉक अनलॉक का है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, यानी कि आप यहीं से मैनेज कर सकते हैं, इवन की जो पावर विंडोज़ हैं वो भी आपकी लॉक हो जाएंगी, वो भी नीचे नहीं होंगी, तो सेफ्टी वाइज जो है वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। जहाँ पर आपको पेट्रोल के लिए ऑप्शन मिलता है वहीं आपको यह है चार्जिंग नॉब भी मिलता है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर आपको DC AC चार्जर दोनों की ऑप्शन मिल जाती हैं, तो यहाँ से आप अपना जो है फास्ट चार्जिंग या घर पर जो आपको चार्जिंग ऑप्शन है उससे आप यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि बॉर्न EV प्लेटफॉर्म नहीं है, और उसकी वजह से आपको जो नॉब्स हैं वो इसी साइड दी गई हैं, अगर अदरवाइज जो आपकी बॉर्न EV प्लेटफॉर्म जनरली रहते हैं उनका आपको चार्जिंग नॉब फ्रंट में ही मिलता है। अब जैसे कि मैंने बताया था कि वीडियो के बीच में कि आपको मैं कुछ कॉन्स भी बताऊंगा इस गाड़ी के, हालांकि जो कॉन्स हैं वो कंसिडरेबल हैं, आपको कई लोगों के लिए वो कॉन्स होंगे, लेकिन मैं पर्टिकुलरली उस चीज़ को काफ़ी जो है वो इंपॉर्टेंस देता हूं, वो है इसका रियर सीट का जो कम्फर्ट है। अब डेफिनेटली कई बार क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप जब गाड़ी ले रहे हैं तो आप खुद ड्राइव कर रहे होंगे, आप हो सकता है कि वो शॉफर ड्रिवन भी लेंगे और खुद पीछे बैठेंगे, अगर आप वो तरीके से ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर होगी। मेरी हाइट 5'7" है, जो मैं बता रहा हूँ आपको, मेरी हाइट के हिसाब से इसका अंडर थाई सपोर्ट है वो थोड़ा सा कंपेरेटिवली कम है, अगर किसी की हाइट अगर 6 फीट के आसपास है, 5'11" भी है, तो उसको और ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम होने वाली है। अदरवाइज अगर हम सीट में लेग रूम की बात करें, हेड रूम वगैरह की बात करें, वो सफिशिएंट है, उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, सीट का कम्फर्ट भी अच्छा है। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो आपको रिक्लाइन का ऑप्शन है वो नहीं मिलता है कहीं भी, यानी कि आप इस सीट को जो है रिक्लाइन नहीं कर सकते, काफ़ी स्ट्रेट सीट है, जो कंफर्ट अगेन आपको जो है वो थोड़ा सा कम देगी। अगर ये थोड़ा सा रिक्लाइन हो सकती होती तो यहाँ पे अंडर थाई सपोर्ट वाला इशू भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिजॉल्व हो जाता, लेकिन क्योंकि सीट काफ़ी स्ट्रेट है
तो उस वजह से अंडर थाई सपोर्ट ज़्यादा फील होता है। और इनफैक्ट मैंने अपने साथ कुछ ऐसे लोगों को भी बिठाया जिनकी हाइट 6'2" भी थी, उनकी तो लेग्स ऐसे ऊपर को आ रही थी 90 डिग्री की तरफ के भाई ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ही अंडर थाई सपोर्ट नहीं है। आप देख सकते हैं, वैसे भी अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको स्पेस जो है वो काफ़ी, सीट की जो चौड़ाई है वो काफ़ी कम लगेगी। हालांकि सेंटर में आपको यहाँ पर हैंडरेस्ट वगैरह सब मिलता है, काफ़ी स्टर्डी है। यहीं से बूट को एक्सेस करने का भी ऑप्शन है, चाहे तो यहाँ से बूट को भी एक्सेस कर सकते हैं। आपको थर्ड हेडरेस्ट भी मिलता है, यहाँ पे 60-40 स्प्लिट मिलता है, आइसोफिक्स की ऑप्शन भी मिलती है। यहाँ पे सारी चीज़ें जो सेफ्टी से रिलेटेड है वो सारी चीज़ें आपको परफेक्ट मिलने वाली। यूरोपियन कार्स में थोड़ी सी दिक्कत रहती है वो यही कि रियर सीट्स के कंफर्ट में हमेशा कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी रहती है। मुझे लगता है कि इंडियन माइंडसेट के अकॉर्डिंग देखें तो चार लोगों की फैमिली है तो पीछे भी चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बड़े हों कंफर्ट पूरा होना चाहिए, और वो कहीं ना कहीं जो है इन कार्स में रहता है। एक चीज़ और जो यहाँ पर नोटिसेबल है कि आपको रेयर में बम्प काफ़ी बड़ा मिलेगा, बड़ा नहीं काफ़ी बड़ा मिलेगा, जो अगेन जो बीच में बैठा है उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ऑल्दो यहाँ पर आपको रेयर एसी वेंट्स और चार्जिंग ऑप्शन वगैरह सब मिलेंगी, दो टाइप सी मिलेंगे। ये एक अच्छी चीज़ है कि फ्रंट में भी अगर हम देखें और रेयर में भी देखें तो टाइप सी ऑप्शंस आपको भर भर के मिलेंगे। यहाँ पे आपको सीट्स के साइड में भी जो है थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस मिलती है। स्पेस पे आप क्या रख सकते हैं, बॉटल वॉटल रख सकते हैं या कुछ और आप पैकेट वगैरह रखना चाहें। दूसरा जो यहाँ पीछे के दरवाजे भी हैं वो दरवाजे कंपेरेटिवली आपको जो है स्पेस कम मिलेगा इनग्रेस आउटग्रेस के लिए। हालांकि बैठने निकलने में कोई खास दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि डोर जो है वो वाइड ओपन नहीं होता है, बहुत ज़्यादा ओपन नहीं होता है, तो थोड़ा स्पेस कम रह जाता है पीछे का। बाकी क्वालिटी वगैरह देखें, थर्ड वगैरह देखें, तो भैया वॉल्वो के बारे में तो वो सब बात करना ही बेकार है। ऊपर से जो है वो पहाड़ से गाड़ी नीचे गिरा देते हैं, क्रेन से नीचे गिरा देते हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी बात की थी। सिक्योरिटी और सेफ्टी में तो कोई दो राय नहीं है। 7 एयरबैग्स आपको इसमें मिलते हैं, ABS, EBD, ESC वगैरह हर चीज़ आपको मिलती है, ADAS लेवल 2 मिलता है। तो कुल मिला के एक बहुत ही बढ़िया और कॉम्पैक्ट आपको पैकेज बन जाता है। और इलेक्ट्रिक कार है तो डेफिनेटली फ्यूचर को ध्यान में रख के बनाई गई है, और फ्यूचर में हम देखने वाले हैं कि इंडिया में जो इलेक्ट्रिक कार्स का जो चलन है, इलेक्ट्रिक कार्स की जो यूसेज है वो बढ़ती जा रही है, चाहे वो कॉम्पैक्ट SUVs हों, मिड सेगमेंट SUVs हों, चाहे वो प्रीमियम लेवल एंट्री लेवल की प्रीमियम कार्स हों। भाई कुछ भी कहो, जो इस कार का कलर है ना सेज ग्रीन, वो मुझे बहुत बढ़िया लगा है। डिफरेंट कलर है, हेड टर्निंग कलर है, कोई भी कहीं से भी आप निकलते हैं तो लोग मुड़ मुड़ के इस गाड़ी को देखते हैं। और दूसरी चीज़ जो है, एक इलेक्ट्रिक होने की वजह से बहुत ज़्यादा जो है लोग इस पर ध्यान देते हैं कि यार ये गाड़ी कुछ अलग है। चलाने में तो ये बहुत ज़बरदस्त है ही है, दिखने में भी बहुत ही, मुझे बहुत पसंद आई गाड़ी। अच्छा, इस वीडियो को एंड करते हुए इसके फाइनल प्रोज और कॉन्स मैं आपको बता देता हूँ। प्रोज इसके हैं, इसका डिज़ाइन बहुत बढ़िया है। दूसरा, इसके बैटरी पावर जो आपको पावर पैक मिलता है वो 78 किलोवाट आर की बैटरी मिलती है, 418 की अच्छी रेंज मिलती है, और परफॉर्मेंस जो मिलती है वो तो भैया 660 न्यूटन मीटर की टॉर्क, वो तो किसी स्पोर्ट्स कार से कम नहीं है। कॉन्स में हमने आपको बता दिया कि कॉन्स इसके जो है रियर सीट का थोड़ा सा दिक्कत है, अगर आप चार लोगों की फैमिली है और पीछे अगर आप बड़े बैठना चाहते हैं, बच्चे भी बैठना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सीट जो है वो कंजेस्टेड है, थोड़ी जो है अंडर थाई सपोर्ट की कमी, अदरवाइज और कोई दिक्कत नहीं है। इसके कंपटीशन में अगर हम बात करें तो इसके कंपटीशन में जो कार्स आती हैं वो किया की EV6 आती है, BMW iX1 आती है, हुंडई की आयोनिक 5 आती है, और इसकी अपनी ही ब्रांड की C40 रिचार्ज भी आती है जो इसके बाद लॉन्च हुई थी। उस गाड़ी का रिव्यू भी हम आपके लिए डेफिनेटली लेके आएंगे अगर आप चाहते हैं तो। और ये चारों कार्स जो ऐसी कंपटीशन में है, प्राइस लगभग ऑलमोस्ट ऊपर नीचे थोड़ा बहुत है लेकिन सेम सिमिलर है। इस गाड़ी को चलाकर मेरी जो फाइनल वर्डिक्ट है वो कुछ इस तरह से है, अगर आप एक प्रीमियम सेगमेंट की एंट्री लेवल इलेक्ट्रिक कार लेना चाहते हैं तो गो फॉर वॉल्वो XC40 रिचार्ज। रीजन बीइंग कि बाकी कंपटीशन में जो अगर हम बाकी बात करें तो 15-20 लाख रुपए का जो है डिफरेंस आ जाता है, जो अगर हम बाकी दूसरी कार्स की बात करें, चाहे वो हम EQS की बात कर लें या BMW में आती है उसकी बात कर लें, वो 1 करोड़ के आसपास रहती है। उनसे कंपटीशन में देखा जाए तो तकरीबन 15-20 लाख रुपये सस्ती आपको ये गाड़ी पड़ती है। और परफॉर्मेंस में आप देखें तो परफॉर्मेंस आप बिल्कुल इक्वली मैच करती है 660 न्यूटन मीटर के साथ। तो मेरा वर्डिक्ट यही है कि मैं अगर कोई ऐसी गाड़ी लेना चाहूँगा जो प्रीमियम लेवल पे एंट्री लेवल की अगर इलेक्ट्रिक कार की बात करें, जिसमें मेरा बजट जो है 60-65 लाख के आसपास है, तो वॉल्वो XC40 रिचार्ज विल बी द फर्स्ट ऑप्शन फॉर मी, या फिर इसी ब्रांड की C40 रिचार्ज जो थोड़ी सी इससे और महंगी है, हालांकि थोड़ी सी कूपे स्टाइल्ड है वो। अगर आपको कूपे स्टाइल पसंद है तो आप वो गाड़ी ले सकते हैं, अगर आपको कॉम्पैक्ट SUVs में पसंद है तो आप ये गाड़ी ले सकते हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें ज़रूर बताइए, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।